क्वेश्चन 59, यस सर। आरडी शर्मा, हमें प्रूफ करना है सेट ए प्लस टेन ए माइनस वन इंटू सेट ए माइनस टेन ए प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेके आना है टू टेन ए, टू टेन ए के बराबर, ठीक है। तो हर टर्म को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करने की कोशिश करेंगे टू टेन ए में, तो सेक कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन कॉस एंड टेन ए विल इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस वन, इसको भी चेंज कर लो, वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस वन, एलसीएम बोलो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, इधर बचेगा वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, इसका भी एलसीएम ले लो कॉस ए वन माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। वन प्लस नो सर साइन ए माइनस कॉस ए, इसको एक ब्रैकेट में यूज कर लो, इसमें माइनस वन कॉमन ले लो तो ये आएगा प्लस का साइन ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का कॉस हो जाएगा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई चल रही है। अब तुम देख सकते हो ये ए है, ये प्लस है, ये बी है, पूरा ये है ए माइनस बी, फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ये अप्लाई कर देंगे अगले स्टेज पे, वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे आ रहा था कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए वन है बी इसमें साइन माइनस कॉस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस का साइन साइन ए माइनस कॉस ए का आएगा होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा अपॉन आएगा कॉस स्क्वायर, इसको खोल लो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, वन माइनस साइन स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ माइनस से भी, ठीक है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का टू साइन है कॉस ही आएगा, एक माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस का आएगा टू साइन है कॉस है, नीचे जो चल रहा है उसको लिख दो कॉस स्क्वायर है, ये तुम्हारा माइनस वन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए, आंसर दिखाई दे रहा है आता हुआ, देखो ये वन आ जाएगा, वन माइनस का आएगा ये खुल के और ये प्लस का आएगा, बचेगा सिर्फ ये एक कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, साइन अपन कॉस बचेगा टेन टू साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन हो जाएगा, यही तुम्हारी राइट हैंड साइड थी। देखो हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन इंटू सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन इक्वल्स टू लेके आना टू टेन ए, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड के पूरे रिजल्ट को
साइन कॉस में चेंज कर दिया। साइन कॉस एक आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट लाने का, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म साइन कॉस में ही होती है। तो सेक ए को मैंने चेंज करा वन अपॉन कॉस ए, प्लस का साइन डाला। टेन ए को चेंज करके बोला साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस वन। इस सेक ए को मैंने चेंज करके बोल दिया वन अपॉन कॉस ए माइनस का साइन। टेन ए को चेंज करा साइन अपॉन कॉस प्लस वन। एलसीएम ले लिया, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा नीचे, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा वन बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बचेगा साइन ए माइनस का साइन। कॉस इंटू वन कितना आ जाएगा, कॉस ए अपॉन फिर से इसका एलसीएम ले लो कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या वन, वन यहाँ लिख दिया माइनस का साइन। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन एक बचेगा यहाँ पर और प्लस का साइन। कॉस एलसीएम में है वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा कॉस ए। मैंने इसको अरेंजमेंट दिया, मुझे वन वन यहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ प्लस का साइन आ रहा था, ये साइन यानी चेंज होते हुए आ रहे हैं, ये प्लस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का कॉस ही आ रहा तो इधर प्लस का कॉस ही है। तो मैंने क्या काम करा, इसको तो प्लस में रहने दिया, यहाँ से इन दोनों में से मैंने माइनस वन को कॉमन ले लिया। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का साइन ही बचेगा, माइनस प्लस कितना आएगा माइनस का कॉस है। अब ये चेक करो ये वाली टर्म और ये टर्म सेम आ गई, वन दोनों में सेम आ ही रहा था, या प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है, तो आइडेंटिटी मेरे पास बन सकती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इंटू चल रहा है इनके बीच में, ये और ये टर्म मल्टीप्लाई में यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा कॉस इंटू कॉस, ये आएगा कॉस स्क्वायर। तो पीछे वाली टर्म को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, उसकी उसकी फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन बीच में लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, नीचे कॉस स्क्वायर ए चल रहा लिख दिया। फिर इसको खोल दिया हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ माइनस लग रहा तो मैंने डायरेक्ट खोल दिया, वैसे तो तुम पहले अंदर ब्रैकेट में रखना फिर साइन चेंज करना, मैंने डायरेक्ट साइन चेंज करके बोले क्योंकि ये आता साइन स्क्वायर है माइनस का आ जाएगा, ये आ गया प्लस का कॉस स्क्वायर है, माइनस की वजह से ये माइनस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का टू ए बी आता है यानी टू ए बी का मतलब टू साइन ए कॉस ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा तो टू साइन ए कॉस ही आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कॉमन लेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा वन, ये प्लस माइनस का वन है ये प्लस का वन है दोनों कट जाएंगे बचेगा क्या, ये रिजल्ट अपॉन में कॉस स्क्वायर है, एक कॉस से वैल्यू कॉस स्क्वायर है कि कट जाएगी तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन, ऊपर टू चली जाता है। तो इस तरीके से यू विल गेट द राइट हैंड साइड।